धनौरा थाना अंतर्गत ग्राम मोह गांव के पास विगत 8 जून को बिमलाबाई पति रामप्रसाद पंद्रह दो पहिया वाहन से अपने मायके पाड़ीवाड़ की को और जा रही थी कि ग्राम मोह गांव के पास ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था। पीड़िता बिमलाबाई के द्वारा बताया गया कि ट्रैक्टर दर्शन सिंह गुर्जर का है और वो स्वयं चला रहा था। ट्रैक्टर से धनौरा की ओर जा रहे थे अचानक बिमलाबाई का बायां पैर ट्रैक्टर के बड़े चक्के के नीचे आ गया और बुरी तरह से ट्रैक्टर के चक्के से चोट लगने के कारण दर्शन सिंह गुर्जर मोहगांव ने पीड़िता के प्रति हमदर्दी दिखाई और 100 डायल कर पुलिस को बुलाया और बिमलाबाई को स्वास्थ्य केंद्र धनौरा लेके चला गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चोट अधिक होने के कारण जबलपुर रेफर कर दिया गया एवं ट्रैक्टर मालिक दर्शन सिंह गुर्जर के द्वारा पीड़िता विमलाबाई को आश्वासन दिया गया कि इलाज का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा, आप किसी तरह की कोई रिपोर्ट या कार्रवाई नहीं करें। एक महीने तक पीड़िता विमलाबाई को परिवारजनों ने जबलपुर मेडिकल में भर्ती रखा और इलाज कराते रहे। लेकिन चोट गंभीर लगने के कारण सुधार न होने पर पीड़िता के परिवार जनों के द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बैठक करवाई गई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि दर्शन सिंह गुर्जर पीड़िता विमलाबाई को इलाज के लिए 50,000 रुपये देगा, लेकिन आज दिनांक तक पैसे नहीं मिले हैं। विमलाबाई लखनादौन के प्राइवेट केयर हॉस्पिटल में विगत 15 दिनों से अभी भी भर्ती है। पैसे की अति आवश्यकता होने के कारण एवं परिवार की स्थिति ठीक ना होने के कारण विमलाबाई ने मीडिया को बुलाकर आप बीती बताते हुए कहा कि दर्शन सिंह गुर्जर से इलाज के लिए पैसे मांगने के लिए परिजन गए थे, पर उक्त व्यक्ति के द्वारा पैसे देने से इनकार कर दिया गया और मेरी आर्थिक स्थिति गंभीर है और मैं मीडिया से मदद चाहती हूँ। जोर से बोलना थोड़ा। क्या नाम आपका? कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? तो इलाज कर रहे हैं आपको? नहीं कर रहा। और क्या समस्या आपकी? किसके ट्रैक्टर से हुआ है? महंगा वाले इलाज करवाए? नहीं करवाए। नहीं करवाए। अस्पताल में कितने भेजा? इलाज के पैसे नहीं दिए? क्या बोल रहे आपको मिल नहीं रहे? जिसके ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है, मतलब इलाज कराने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने मतलब जबलपुर हॉस्पिटल एक महीने भर्ती रही तो वहाँ पर इसके बाद उनको कि हॉस्पिटल लखनऊ में डॉक्टर प्रसाद के यहाँ भर्ती करवाए थे। और आप क्या चाहते? आप कार्रवाई चाहते हैं? मतलब पैसे ही दिया है आपको? न्यूज 99.24/7 के साथ संजय रजक, लखनऊ। राम प्रसाद उइके जो कि धानी से पाणीवारे की ओर आ रहे थे और रास्ते में ट्रैक्टर से उनका एक्सीडेंट हो गया था। हमारे साथ में जिनकी गाड़ी थी ट्रैक्टर और जो गाड़ी चला रहे थे दर्शन सिंह गुर्जर, इस वक्त हमारे साथ में हैं और इन्होंने अपने तरफ से सहयोग भी उनको किया है, दवाई किया है और 100 नंबर डायल बुला के और पीड़िता को अस्पताल पहुंचवाया। अस्पताल पहुंचवाने के बाद में और प्राथमिक उपचार के बाद धनौरा से जबलपुर रेफर कर दिया गया। उसके बाद समझौते की दृष्टि से कोई इनकी बात थी कि जो ये दवाई कराएंगे और आगे इनसे सुनते हैं कि ये अपनी जुबानी के कहते हैं।
क्या आपसे बात हुई थी उस दिन कि आप रिपोर्ट मत करना, हम सहयोग करेंगे, या आपने कुछ उनको सहयोग के लिए कुछ पैसे देने के लिए बात की थी? फर्स्ट में तो ऐसी रिपोर्ट वाली कोई बात नहीं आई। जैसे वो लोग मतलब वाहन के लहराने और साइड में जाके पुलिया में टकरा के खुद जब वो लोग गिरे तो मैं दया के उसमें आया, मानव इंसानियत के नाते, फिर मैंने उनको उठाया, महुआ की छाया के पेड़ के नीचे लेटाया दोनों बहनों को। फिर मैंने 100 नंबर डायल किया, 108 मैंने ही डायल किया और बुलवाया। उसके बाद वो रोने गाने लगे तो फिर मैंने उनसे बोला ठीक है भाई, पहले तो उनके गाँव का नाम पूछा, जब गाँव का नाम पांडीवाड़ा और क्योलारी बताए तो मैंने तेज सिंह उइके का नाम पूछा, बोले पहचानती? बोले हाँ पहचानती है। इसके बाद मैंने कहा पांडीवाड़ा किसके यहाँ जा रहे हैं? बोले बड्डो के यहाँ। तो मैंने कहा गांव घर जैसे ही, मैंने कहा ठीक है चलो न रो भाई, मैंने रोने लगी जब मैंने कहा न रो भाई चलो, मैंने कहा तुम्हारे जब तक कोई नहीं आ रहा है जब तक मैंने कहा मैं सहयोग कर देता हूँ, इलाज करवा देता हूँ, घबराओ ना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, जो भी हम सहयोग कर देते हैं। इसके बाद गार्जियनों को राशि वगैरह यहाँ होते हैं देखो, और हमने सहयोग किया, लगभग 7 महीने तक इलाज चला। इसके बाद भी ऐसे मतलब कोई प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं हुई। इसके बाद में दूसरे अन्यत्र लोगों के कहने में आकर और जे लोग दूसरी रास्ता रखने लगे, जबकि वो लोग ना मेरी गाड़ी से टकराने थे उससे न कुछ, वो लोग खुद घबरा कर खुद अपनी गलती से गिरे और जाकर जो रोड की पुलिया है नहर की उसमें जाकर उनका गाड़ी अड़ी देख सकर टूट गए और वहीं पर ही गिरे। और वो भाई जो है रोड के किनारे में गिरी है तो उनका सीमेंट की जो पैनी धार होती है उसमें लगने से उनकी चमड़ी कट गई थी। इनका सीधा सीधा कहना है कि इनकी गाड़ी से ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ है और ना ही कोई इनकी गाड़ी से चोट लगी है, बल्कि इन्होंने पीड़िता की मदद किया है। और जो उनके परिवारजन हैं वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इनकी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ है, और अभी की जो उसकी स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए और इनसे वो पैसे लेने की बात कर रहे हैं, जो पैसे देने से इनकार कर रहे हैं, और आगे जो है तो पुलिस की कार्रवाई में क्या होता है ये देखने का विषय है। जब आपके एक्सीडेंट हुआ था लड़की का जी, और इन्हों से जब आपने कार्रवाई की बात किए थे तो आपके बीच में कोई था क्या? जी हाँ, मेरे अरे बोरा और शंकर मेरे घर गए, मैं बोला खिलाए उजियार पटेल घर है, और कहने लगे भैया जी आप जवाबदार ले रहे दफे कर लेंगे आप आगे कार्रवाई बिल्कुल न बढ़ा, हम जो कहा खर्च लड़कियाँ की लागत में हम लगा भी तैयार। सर अब लड़की की स्थिति अगर खराब हो रही है तो इसके बाद में आपने उनसे पैसे के लिए कहा? जी हाँ। फिर उनने क्या जवाब दिया? साहब और पंचायत लेके आया हाउ कह दा साहब, और फिर बाद में करार कर दे कितनी टाइम हम देने, और फिर नहीं दे। पंचायत कहाँ लगी थी? वो यार घर है। अच्छा, फिर पंचायत में क्या निर्णय लिया गया? एक बेरा भाव साहब 50,000 में हाँ। में मंजूर हो गए हम हाँ। फिर भी नहीं दे एक रुपये साहब, दोबारा फिर पंचायत फिर 45,000 में फिर बात टूटी हाँ। फिर भी नहीं दे साहब हाँ। अब वो पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं? अब आगे कार्रवाई चाहते हैं। अच्छा, सीधा सीधा लड़की के पिता का कहना है कि दो दो बार पंचायत लगाई गई और पंचायत में निर्णय लिया गया कि या तो आप इलाज करवा दो, या इलाज में जो राशि लगेगी उस राशि का खर्च दर्शन सिंह गुर्जर पिता शंकर सिंह गुर्जर मोहगांव वालों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई मदद उनके द्वारा नहीं की गई है। और लड़की के पिता का सीधा सीधा कहना है कि अब हम कार्रवाई चाहते हैं, हमको किसी राजीनामा और किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। हमारे साथ हैं इस वक्त उजियार सिंह गुर्जर, जिनके घर में बिमला बाई के एक्सीडेंट की पंचायत लगी हुई थी। और कौन कौन आपके यहाँ आए हुए थे? नवल श्रीवास्तव आए थे, और संत कुमार भाई आए थे, और धन्नी भाई आए थे, और पिपरिया से परसोत्तम काका आए थे, और शंकर गुजर आओ तो दर्शन गुजर आओ तो बोरा गुजर आओ तो हाँ। तो आपकी जब यहाँ पंचायत हुई तो उसमें क्या निर्णय लिया गया? 50,000 में निर्णय करे इन लोगों ने कि हम कल 9 बजे दे रहे हैं हाँ। इलाज के लिए, इलाज के लिए, क्योंकि बाद में कि कल 9 बजे अपन के धनोरा में नवल भाई की यहाँ इकट्ठे होना है, इसके बाद में यहाँ से तो चले गए सब लोग जो भी थे पंचायत में, ये दर्शन गुजर और शंकर गुजर नहीं आए पैसा लेके। अच्छा, फिर बोले कि अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं बनी हाँ। फिर छोड़ दाए हाँ। रहे आए, फिर हमारी तो हम इलाज करवा ही रहे लड़कियों को प्राइवेट, तो लड़की
की स्थिति अभी भी खराब है, गंभीर है, और उनसे जो राशि मांगी तो उनने तो फिर मना कर दाए। इसके बाद में फिर आए भी दोबारा, फिर पंचायत में भी जितने लोगों को मैं नाव ले रहा हूँ लोग पूरे थे, फिर इनने 50 की जगह में 45 में टूर के गए कि कल हम 10 बजे फिर पैसा दे रहे हैं संत कुमार भाई के या परसोत्तम काका के, हम जमा कर दे रहे हैं, इसके बाद में तुम हमारी जो भी लिखा पड़ी वो हमें दस्तखत करके दइए अपनो तो फैसला। उसके बाद में आज तक इन्होंने कोई पैसा नहीं दिए, लड़का लड़कियां के पैर में कीड़ा तक पड़ गए। अच्छा, सीधा सीधा इनका कहना है कि मेरे घर में पंचायत लगाई गई थी और अब हम लोग जी चाह रहे हैं, हमें जवाबदारी में करके कुछ इन लोगों ने करे नहीं तो हम खुद चाह रहे हैं कि इनकी आगे कार्रवाई हो। धन्यवाद। News99 24/7 के साथ मैं राम नरेश पटेल, ब्यूरो चीफ सिवनी। सर, विगत 8/6/2019 को जो दर्शन सिंह गुजर से एक्सीडेंट हुआ थे, गंगाबाई नाम की महिला का, उस विषय में आपके पास जानकारी है और उसके अब तक क्या कार्रवाई है? गंगाबाई के साथ जो लड़का था दशरथ उल्टे की रिपोर्ट पर 279/337 का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में, और अभी बिमलाबाई के अस्पताल से छुट्टी नहीं हुई, बेडेड टिकट और अन्य एक्सरे मिलने पर चलानी कार्रवाई की जाएगी। 99/24/7 से राम नरेश पटेल।